अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। वे 34 साल के थे। इस मामले में सुशांत के मामा ने अब न्यायिक जाँच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुशांत कभी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता है। इस मौत के पीछे जरूर ही कोई साजिश छुपी हुई है। वहीं मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन के दौर में थे। उनका इलाज भी चल रहा था। पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है। सुशांत मुंबई के बांद्रा में अकेले ही रहते थे। उनकी आत्महत्या की सूचना उनके घर में काम करने वाले एक नौकर ने पुलिस को दी है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस सुशांत सिंह के फ्लैट में पहुंची और दरवाजा तोड़ करके घर में दाखिल हुई। सुशांत सिंह फांसी के फंदे पर लटके हुए दिखाई दिए। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक शनिवार रात को सुशांत के कुछ दोस्त उनके साथ उनके घर पर मौजूद भी थे। सुशांत की मौत के बाद उनके दोस्त मनोज चंडिला ने हैरानी जताते हुए कहा है कि उन्हें इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वे क्या बोलें ये नहीं समझ में आ रहा। वहीं टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा ने कहा है कि अभी सुशांत सिंह राजपूत से कई उम्मीदें थी, उनके करियर का सफर परवान चढ़ना बाकी था। गौरव चोपड़ा ने कहा कि खुश रहने के चक्कर में जो दिखावा करना पड़ता है वो बेहद नुकसानदेह है। एक बार इस चक्कर में फंसने के बाद इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने करीबियों का, नज़दीकी लोगों का ख्याल रखना ही चाहिए। वहीं सुशांत के मामा का साफ तौर से कहना है कि इसके पीछे कोई साजिश है। बिहार के बड़े नेता पप्पू यादव ने भी इस मौत पर CBI जांच की मांग की है। हालांकि सुशांत के पिता का बयान अभी नहीं आया है, लेकिन उनके करीबियों के बयान के मुताबिक जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो यही हैं कि सुशांत इस तरह की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे कि वो एक सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से संभव है कि इसके पीछे कोई साजिश है या फिर ये मर्डर है।